नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले जिक्सर SF150 के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों, इस बाइक के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप चाहो तो आई बटन में जाकर के देख सकते हो। अगर आप SF150 खरीदने जा रहे हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार देख लेना, जिसमें कि मैंने सभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कवर अप किया है। दोस्तों, अगर आप इस बाइक को खरीदने वाले हो तो इस वीडियो को देखना आपको जरूरी है। और दोस्तों, इसमें मैंने दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताए हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे मत सोचना कि डिसएडवांटेज में बता रहा हूँ तो इस बाइक को मैं डिफेम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस बाइक के बारे में हर चीज़ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई भी सवाल हो बाइक से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। दोस्तों, यहाँ पर पहले हम एडवांटेजेस से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इसका जो पहला एडवांटेज निकल करके आ जाता है वो है इसका इंजन। दोस्तों, इसका जो इंजन है वो काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। अगर हम इसके मतलब एक्सेलरेशन की बात करें, यानी कि पिकअप की बात करें, तो दोस्तों वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। इस बाइक का जो इंजन है और इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके स्मूथनेस और रिफाइनमेंट की बात करें तो लो आरपीएम हो, मिड आरपीएम हो या हाई आरपीएम हो, आपको हर जगह स्मूथनेस देखने को मिलेगी। और ये बाइक काफ़ी साइलेंट बाइक है, इसका जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। तो दोस्तों, अगर आप एक परफॉर्मेंस बाइक लेना चाहते हो जिसमें कि आपको एक काफ़ी रिफाइंड और काफ़ी गुड इंजन देखने को मिले, तो दोस्तों SF150 एक काफ़ी अच्छी बाइक है। अभी अगर हम हमारा नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो दोस्तों वो है इसका हैंडलिंग। दोस्तों, इस बाइक का जो हैंडलिंग है आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। इसका हैंडलिंग आपको ट्रैफिक में चलाने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि इसका हैंडलिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और अगर हम कॉर्नरिंग की बात करें तो कॉर्नरिंग पर आपको काफ़ी बेहतरीन कॉन्फिडेंस ये दे देता है, क्योंकि इसका जो रियर टायर है वो आपको 140 सेक्शन का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ऑल ओवर इसकी हैंडलिंग कॉर्नरिंग हो या सिटी राइड्स हो या हाईवे राइड्स हो, आपको हर जगह बेहतरीन ही देखने को मिल जाती है। अभी अगर हम इसका नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो दोस्तों वो है इसका राइडिंग पोस्चर। दोस्तों, इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो R15 जितना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पोर्टी आपको देखने को मिल जाता है। अगर इस बाइक के ऊपर बैठते हो तो आपको एक स्पोर्टी फील आ जाती है, लेकिन आपके बैक में और आपके रिस्ट में आपको पेन नहीं होता है। ऑल ओवर अगर हम इसके राइडिंग पोजीशन की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेटर राइडिंग पोजीशन आपको देखने को मिल जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट एडवांटेज निकल करके आ जाता है वो है दोस्तों इसका डिजिटल कंसोल। दोस्तों, इसमें आपको एक डिजिटल कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको हर बेसिक फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टाइम और फ्यूल गेज, ट्विन ट्रिप मीटर्स। और दोस्तों, इसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, बैटरी इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, एज वेल एज शिफ्ट लाइट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन फीचर है। ऑल ओवर अगर हम बोले तो ये काफ़ी फीचर लोडेड बाइक है। अब अगर हम इसके आखिरी एडवांटेज की बात करें, तो दोस्तों वो है इसका डिज़ाइन। दोस्तों, डिज़ाइन वाइज ये काफ़ी बेहतरीन बाइक है, इसको काफ़ी अच्छे से सुजुकी ने सोच समझ के बनाया है। हालांकि इसमें आपको उतने अच्छे कलर ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते, इसमें आपको सिर्फ दो ही कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बट अगर हम इसके डिज़ाइन और लुक्स की बात करें तो इसका फ्रंट व्यू हो, रियर व्यू हो, साइड व्यू हो, हर व्यू से यानी कि हर तरीके से, हर जगह से ये बाइक काफ़ी अच्छी आपको बेहतरीन देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो है इसका प्राइस। दोस्तों, इसका जो प्राइस है BS6 वर्जन में 12,000 रुपीज़ इंक्रीज हो चुका है। बट स्टिल इसका जो इंजन है और जो ऑल ओवर बाइक है उसमें आपको कोई बड़ा अपडेट देखने को नहीं मिलता है, इवन कि आपको कोई भी एक अपडेट देखने को नहीं मिलता है सिवाय इंडिकेशन के डिजिटल कंसोल के अंदर। सो दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो 12,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन इसमें आपको ना कोई कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, ना इंजन में पावर फिगर बढ़ा है और ना ही कोई एक्स्ट्रा अपडेट आया है। सो दोस्तों, प्राइस वाइज अभी पहले के मुकाबले और 12,000 इंक्रीज हो चुकी है और इसका प्राइस अभी ऑलमोस्ट ऑन रोड आपको 1.42-1.45 लाख देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो अब अगर हम इसका सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों, अगर हम इस बाइक BS4 के SF150 से कंपेयर करते हैं तो दोस्तों इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ा सा डाउन देखने को मिल जाता है। पावर जो है इसमें पॉइंट वाइज यानी कि 0.2-0.4 जितना इसका PS कम हुआ है, लेकिन जो आपको वो कम पावर कम हुआ है वो आपको फील
ज़रूर होता है। अगर आपने BS4 जिक्सर चलाया और आप BS6 जिक्सर चलाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इसका जो एक्सेलरेशन है पहले के मुकाबले कम हो गया है, बाइक को पिकअप लेने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट दोस्तों, ये जो चीज़ है सभी BS6 बाइक में ऐसा ही हुआ है, सभी BS6 बाइक का पावर फिगर जो है वो डाउन हुआ है। बट ये दोस्तों आपको बताना ज़रूरी है, अगर आप इसे डिसएडवांटेज में कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो। अगर हम इसके थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों, इसके जो सीट्स है वो आपको उतने बेटर कंफर्टेबल देखने को नहीं मिलते हैं। इसका जो राइडर सीट है उसमें स्पेस प्रॉपर है, लेकिन उसका जो कुशनिंग है वो आपको थोड़ा सा हार्ड देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टूर करो तो आपका जो पेन है, यानी कि आपका जो बट है, वहाँ पर आपको पेन फील ज़रूर होगा। और अगर हम इसके पिनियन सीट की बात करें तो पिनियन सीट भी हार्ड है, लेकिन उसमें स्पेस भी आपको कम देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके लास्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों, इसका जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो है इसका सस्पेंशन। दोस्तों, क्योंकि एक स्पोर्ट बाइक है तो इसका सस्पेंशन, इसको स्टिफ बनाया गया है, जिस वजह से इसका जो हैंडलिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन ऑल ओवर इसका जो कंफर्ट है वो लेस हो जाता है। यानी कि इस बाइक में आपको छोटे मोटे गड्ढे भी फील हो जाएंगे और बम्पर भी फील हो जाएगा। सो इसका जो सस्पेंशन है उसके वजह से आपको हैंडलिंग तो बेटर मिलता है, बट सीडी राइड्स में और बैड रोड कंडीशंस में ये आपको काफ़ी पेन दे सकता है। सो दोस्तों, ये तो थे वो सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आपको ये डिसएडवांटेजेस उतने ज़्यादा फील नहीं होते हैं तो फोर शोर आप ये बाइक खरीद सकते हो। तो दोस्तों, ये तो था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जिक्सर SF150 का। वेल दोस्तों, यहाँ पर तो वीडियो होता है हमारा ख़त्म। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। आपके मन में कोई भी बाइक से रिलेटेड सवाल हो तो मेरे को कॉमेंट में पूछ लेना।